और वहीं महाराष्ट्र के सांगली की तरफ रुख करें तो बीजेपी के नितेश राणे ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान विवादास्पद बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस को 24 घंटे के लिए हटा देते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि आखिर किसमें कितना दम है। दरअसल महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी से उबाल उठा, जिससे नाराज विधायक नितेश राणे ने यह विवादास्पद बयान दे डाला। धमकेला फीक देना आम्ही लोक आहोत का? ह्याच्यातले कुठले? तर आम्ही सांगतो या चला या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा, आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। और नितेश राणे के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने हमला बोला और कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। पिछले कुछ दिन मिला था गणेश विसर्जन के इमोशंस पे पत्थरबाजी हुई, कल ईद मिलाद के जुलूस पे पत्थरबाजी हुई, दो गुटों में पिछले महाराष्ट्र में चार दिन चार से पांच जगह पे ये घटनाएं हो चुकी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सरकार चाहे तो इसको रोक सकती है, इस देश में हिंदू मुस्लिम की एकता बरकरार रखने के लिए इतना क्या नहीं कर सकते लोग कि जब जब इनका प्रोसेशन चले गणपति का, तो जब मस्जिद के पास पहुँचे तो उस प्रोसेशन से एक ऐलान हो जाए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद, यहाँ पर ज़रा यहाँ पर कोई पटाखा मत फोड़ना, यहाँ पर कोई बाजा मत बजाना, और ये बोल के आगे बढ़ेंगे ना तो मुसलमान, जिसको ये कहते हैं ना मुसलमान पत्थर मारता है, वो मुसलमान पत्थर नहीं मारेगा, वो आएगा ठंडा पानी पिलाएगा और आपको आपका सम्मान करेगा। लेकिन आप वहाँ खड़े होकर के आप चलते चलते आ रहे हो, कहीं खड़े नहीं हो रहे हो, मस्जिद के पास खड़े होकर के ज़बरदस्त तरीके से वहाँ जो है आप बाजा बजाओगे, वहाँ आप जो है गुलाल फेंकोगे और गाली दोगे कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें चिल्लाओगे तो एक्शन के रिएक्शन होता है।